अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ अचानक से शुरू हो चुकी हैं, तो मैं सर्दियों के हिसाब से आज आपके लिए एक डिश लेके आई हूँ जो कि है फिंगर फिश। आज मैं आपके लिए तंदूरी फिंगर फिश बना रही हूँ जो कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ डिश आउट करूँगी। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए हैं वो ये हैं कि तंदूरी मसाला मैंने लिया है वो है 2 टेबल स्पून बर्गर, फिर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है भुना हुआ, फिर 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें जर्दे का रंग, 1 टेबल स्पून इसमें नमक है, लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून पेस्ट है, उसके बाद विनेगर है जस्ट फॉर टेस्ट है, लेमन है और ये दही। इसके बाद हम सारे जो मसाले हैं हम दही में ऐड कर देंगे और इस दही को हम इस फ्लेयर्स में जो है हम मैंने जो मछली फिंगर फिश इस तरह की काट ली है इसमें लगाएंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए कम से कम 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो चलिए मेरे साथ रहिए। अब ये दही है, दही में मैं सारी चीज़ें मैरिनेट कर दूंगी, सारी चीज़ें डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर इसमें मैं ये सारे ड्राई मसाले डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें सिरका डालूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब इसमें मैं लेमन लगा रही हूँ। लेमन लगाने के बाद इसमें ये जितना भी सारा ये देखें आप जैसे कि लिक्विड बन गया है, ये सारा लिक्विड मैं इस फिश में लगा रही हूँ अच्छे से। अच्छे से इसको मैं मैरिनेट करूँगी, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। फिश बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गई है, आपको दिख रही है बहुत जूसी हो गई है। अब मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर इसको 6 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए रख दूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं मोबाइल की लो बैटरी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से फ्राई करने का स्टेप आपको दिखा नहीं सकी। फ्राई करने में कोई भी ऐसा डिपिंग प्रोसेस नहीं है कि मैं किसी को किसी चीज़ से कोट कर रही थी फ़िश को, मैंने डायरेक्ट उसी मसाले में उसको कोट किया और डायरेक्ट फ्राई की है, लेकिन हाई फ्लेम पर, क्योंकि ये ज़ाहिर है फिंगर फिश है तो ये लो फ्लेम पे पकाने की वजह से नरम हो जाएगी, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये है मेरी तंदूरी फिंगर फिश की फाइनल लुक। आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी अपनी एक नई डिश के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।